नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्युष और ये आप देख रहे हैं महिंद्रा बोलेरो का B6 वाला वेरिएंट। B4, B6, B6 ऑप्शनल तीन वेरिएंट्स आपके पास आते हैं, ये B6 वाला है। सो ये ओवरऑल फ्रंट का लुक आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल हेलोजन सेटअप मिलता है, हेडलाइट्स और पायलट लाइट्स वो भी आपको हेलोजन ही मिलेगी। पूरा हेलोजन सेटअप है, काफ़ी बेसिक कार है, बट यहाँ प्राइस को भी आपको देखना है सारी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रोम मिल जाएगा, ग्रिल में हॉर्न वॉर्न सारी चीज़ें, रेडिएटर आप इजीली विजिबल हो जाता है सारी चीज़ें, और फॉग लाइट्स वो सब कुछ नहीं आता। यहाँ पे ये पूरा जाली वाला सिस्टम है, सो यह काफ़ी बेसिक काम है बट यह ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छी खासी 180 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और जैसे ही आप इसका बोनेट खोलेंगे आपके पास देख सकते हैं ऐसे इंडिकेटर जलता रहता है। ये एक सेफ्टी फीचर है महिंद्रा में, आपको पता होगा। और हुड की बात करें, क्लैमशेल बोनेट आपको प्रॉपर मिल जाता है, जैसा पुराने SUVs में आता है। काफ़ी हैवी हुड मिल जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन भी है। और वही 1.5 लीटर का आपका एमहॉक डीजल इंजन मिल जाता है, ऑलमोस्ट 75 BHP ऑफ पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क बना देगा। पावर उतनी ज़्यादा नहीं है बट ये टॉर्क इज़ वेरी गुड, लो एंड टॉर्क इसका काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। अंडर बॉडी कवरिंग भी आपको प्रॉपर मिल जाती है और डिफाइंड पहले से काफ़ी हो चुकी है। 3-सिलेंडर इंजन है तो थोड़े वाइब्रेशन आपको अभी भी मिलेंगे, बट अब BS6 फेस 2 आने के बाद इट्स ओवरऑल वेरी डिफाइंड। माइलेज भी आपको डिसेंट मिल जाएगी, आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। ये ओवरऑल साइड का लुक आप देख सकते हैं, साइड से भी इट लुक्स रियली वेरी गुड। देसी G-Wagon इसे लोग कहते हैं, सो इसमें कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पे आपको ऐसे गुडियर के टायर्स मिल जाएंगे और इसकी एग्जैक्ट प्रोफाइल है 215/75 R15 15 इंच के टायर्स है। फ्रंट में डिस्क, पीछे ड्रम, फुटस्टेप भी आपको मेटल के मिल जाएंगे। यहाँ पे मड फ्लैप्स वो भी है। ऐसे बॉडी साइड आपको फुल क्लैडिंग वेडिंग मिल जाती है, फेंडर पे इंडिकेटर वो सब है, एक्सपोज हिंजेस और आइकॉनिक ये बोलेरो को आपको ये फिटिंग थोड़ी मिल जाती है साइड में। और मिरर्स को इंटरनली फोल्ड देते हैं, वो सारी कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, आपको बेसिक हाथों से एडजस्ट करना है। और ये भी फिक्स्ड ही है और नॉर्मल एंटीना मिल जाता है, यहाँ पर ड्रिप ट्रेल वो सब है। और यही ओवरऑल साइड का लुक, सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल जाती है और रिमोट की भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट अभी भी आपको पुल अप टाइप डोर हैंडल्स वो सारी चीज़ें मिलती है। और पीछे आपको पता है लीफ स्प्रिंग से कमानी जिसे कहा जाता है वो आपको मिलता है। सो नॉट द बेस्ट राइड क्वालिटी बट या ऑफ रोडिंग का है, काफ़ी रोबस्ट कार ही है, आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी। यहाँ पे इसका फ्यूल लिड वो सब है और यहाँ पे थोड़ा एरोडायनेमिक ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। सो ये ओवरऑल रियर का लुक, यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लाइट सारी चीज़ें हेलोजन ही मिलेंगी, ये सभी एक्सपोज थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और सेम साइज़ के आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है, सो वही 15 इंच का आपका स्पेयर व्हील है। यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाएगा बट डिफोगर वो सब कुछ नहीं है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है। यहाँ पे भी वही ड्रिप ट्रेल वो सब है और चाबी डाल के आप इसका बूट वूट अनलॉक कर पाएंगे। और ऐसे आपको पुल अप डोर हैंडल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, फुट स्टेप भी प्रॉपर आता है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए अच्छी खासी स्पेस, हैलोजन लाइट फॉर द नंबर प्लेट्स, और क्रोम की आपको टिप विप मिल जाएगी मफलर में। और ओवरऑल अंडर बॉडी आप देख सकते हैं फुल्ली लेडर ऑन फ्रेम जैसी, और लीफ स्प्रिंग्स आप देख पाएंगे। यहाँ पे दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं और डिलीवरी के टाइम पे आपको ऐसे व्हील कवर्स मिल जाएंगे। टिप ये काफी आइकॉनिक, आपको पता होगा ये व्हील कवर है महिंद्रा का। सो ये ओवरऑल देख सकते हैं ऐसे रेक्सिन मटेरियल आपको मिलता है, अंदर से भी आप बूट को अनलॉक कर पाएंगे, ऐसे ग्रैब हैंडल्स है। और बूट स्पेस की बात करें, अच्छी खासी स्पेस है, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगी अगर ये दोनों सीट्स फोल्ड अप रही तो। और ऐसे फोल्ड अप करके ऐसे आप लटका सकते हैं, आपको ऐसे स्टेप्स मिल जाते हैं, उसके बाद अच्छी स्पेस बन जाएगी। बट आपको 7-सीटर का प्रॉपर यूज़ करना है तो आप जरूर ऐसे साइड फेसिंग से यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा सेफ नहीं है क्योंकि सीट बेल्ट्स नहीं आते और एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं है। और ग्लास ये सब आपको फिक्स्ड ही मिलेगा, सो थोड़ा आपको गर्मी लग सकता है क्योंकि AC वेंट्स वो सब भी कुछ नहीं आता इस कार में, सिर्फ फ्रंट में AC वेंट्स आते हैं, सो उसमें थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है। बट AC इज़ वेरी पावरफुल, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और फ्यूल टैंक की बात करिए, यहाँ पे आपको 60 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है और उस तरफ आपको DF का टैंक मिल जाएगा, उसके कैपेसिटी भी आपको मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दूंगा। रिवर और रियर डोर का लुक, कोई भी बॉटल होल्डर वो सब कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे आपको गत्ता बेसिक मिल जाता है। और यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल वो भी है, और देख लेते पूरे नीचे जाते हैं कि नहीं। हाँ, पूरे नीचे चले जाते हैं, विच इज़ गुड। यहाँ पे ये सब जगह थोड़ा आपको एक्सपोज मटेरियल लगेगा। और यहाँ पे भी वैसे ही फ्लैप वो सब का यूज़ किया गया, कपड़े का बेसिक डोर हैंडल से बेसिक आपको काफ़ी मिल जाएंगे। काफ़ी बेसिक कार है बट ये रफ टफ काफ़ी है। गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए आपको प्रॉपर फुटस्टेप मिल जाता है, बुजुर्गों का चढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि काफ़ी ऊँची कार है। और सीट्स की बात करें, फुल फैब्रिक सीट्स आपको मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है दोनों पैसेंजर्स के लिए, बट लैप बेल्ट अभी भी आपको बीच के पैसेंजर्स के लिए मिल जाएगा। और आर्मरेस्ट की बात करें, कोई भी कप होल्डर्स नहीं है और ऐसे आप देख सकते हो कोई भी फिक्स पोजीशन पे नहीं रहता, डायरेक्ट सीट पे लग जाता है। बट ठीक है, रिक्लाइन विक्लाइन इज डिसेंट और आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स वो सब इस वेरियंट पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। सो या अब अंदर चलते हैं। सो लेग रूम की बात करें, मुझे डिसेंट सी लेग रूम मिल रही है, अंदर थाई सपोर्ट वो भी अच्छा है, मैगजीन होल्डर सबको दोनों साइड में मिल जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपोज सारी चीज़ें हैं, सीट बेल्ट का मैकेनिज्म वो सब बेटा ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और विथ को देखते हुए दो एडल्ट एक बच्चा इजीली बैठ जाएगा, बट या पतले पतले एडल्ट्स हो तो तीन बैठ जाएंगे इजीली। और यहाँ पे कोई भी लाइट वेट कुछ नहीं है बेसिक, आपको बीच में यहाँ पे एक लाइट मिलती है और पीछे भी कोई लाइट वेट नहीं है। रिक्लाइन एंगल इज ओवरऑल डिसेंट, हेडरूम बहुत आपको ज़्यादा मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस है वो एक अच्छी चीज़ है। और काफ़ी आप ऊँचा बैठेंगे फ्रंट सीट्स के अकॉर्डिंग, सो उस चीज़ में अच्छा है, बट नॉट द मोस्ट कम्फर्टेबल। अगर आप हल्का मतलब दो तीन लोग चलेंगे तो थोड़ा बाउंसी राइड आपको लगेगा,
प्लस ज़्यादा अगर मतलब पीछे थर्ड रूम अगर थोड़ा वेट वेट कैरी कर लेंगे तो थोड़ा सेटल्ड हो जाता है इसका सस्पेंशन। सो वही है बेसिक। सो यार फ्रंट में चलते हैं। सो ये वाला फ्रंट डोर का लुक देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा हाथ पकड़ने के लिए जगह वगह मिल जाएगा। यह भी गत्ता ही है बेसिक, और यहाँ पे प्रॉपर बॉटल होल्डर नहीं है, थोड़ा कुछ चीज़ें यहाँ पे कपड़े वपड़े रख पाएंगे, और यहाँ पे छोटी मोटी कुछ चीज़ें आ जाएंगी। इसकी क्वालिटी भी इज़ नॉट ओवरऑल दैट ग्रेट, पर ठीक है। और सीट्स की बात करें सो इन्हें आप आगे पीछे और रिक्लाइन विक्लाइन कर पाएंगे, हाइट पैड उन सब के लिए एडजस्ट नहीं होती। और इसका भी यहाँ पे थोड़ा एक्सपोज्ड, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। इट्स अ वेरी रॉ कार, और आगे पीछे करने के लिए लीवर इसका थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स, बट है ठीक है। और देख सकते हैं ये इसका मैनुअल वाला, से मैनुअली ऑप्शन मिलता है आपको, और डेड पेडल भी प्रॉपर नहीं मिलता, बट ठीक है। ट्रैवल वेवल थोड़ा ज़्यादा है क्लच का, और यहाँ पे हेडलाइट लेवल करना, स्टार्ट स्टॉप सिस्टम भी आपको मिल जाता है, और की होल भी इल्यूमिनेटेड है। की आपको दिखा देता हूँ मैं, ऐसे फ्लिप की आपको मिलेंगे, लॉक अनलॉक करना और ऐसे हेडलाइट जला पाएंगे। एक फ्लिप की है, दूसरा आपको कोई भी बटन बिना के साथ आपको नॉर्मल की मिलती है, वहाँ पे कोई भी बटन वो सब नहीं है। ये ओवरऑल इंटीरियर का लुक देख सकते हैं, प्लास्टिक क्वालिटी इज ओवरऑल डिसेंट, नॉट द बेस्ट, बट राफ्ट ऑफ कार है उसके लिए आप ऐसे ही प्लास्टिक क्वालिटी एक्सपेक्ट करेंगे जैसे थार में आता है। उससे भी थोड़ा मुझे कम लगा इसका क्वालिटी, बट ठीक है। थोड़े पैनल गैस वो सब भी आपको मिल जाते हैं, और ब्राउन कलर का टेक्सचर है। ग्लव बॉक्स में इस डिसेंट स्पेस आपको मिल जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल एसी वेंट्स वो सब। और इंफोटेनमेंट की बात करें, आपको 2 DIN का इंफोटेनमेंट मिलता था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो सब है, और यहाँ पे आपके पास 2 चार्जिंग ऑप्शन है, एक मतलब चार्जिंग के लिए और एक गाना वाना पेन ड्राइव लगा के आप सुन लीजिए। ऑक्स भी आपके पास है, सारे फिजिकल कंट्रोल्स, यहाँ पे एसी मतलब मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाता है, एसी की कूलिंग वो सब इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, फोन रखने के लिए स्पेस वेस है, और वही 5 स्पीड का आपके पास गियर बॉक्स है। मैं आपको इसका रिवर्स दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको कोई भी रिवर्स कैमरा तो नहीं मिलता, बस ऐसे सेंसर्स मिल जाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा पीछे कोई कार है कि नहीं, कंटिन्यूअस ऐसे बजता रहता है। और इसमें भी थोड़ा मतलब वाइब्रेशन वो सब है, बट ये काफ़ी रॉ आपको फीलिंग लगेगी। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे सारे पावर विंडोज के कंट्रोल आगे पीछे सारे इल्यूमिनेटेड है, चाइल्ड लॉक फॉर द मिरर्स, ऑटो अप ऑटो डाउन वो सब कुछ नहीं है, मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पे थोड़ी स्पेस वेस मिल जाएगी, पीछे तो कोई चार्जिंग ऑप्शन नहीं आता, विच इज़ ओके। मैनुअल आपके पास RVMs है, और यहाँ पे कुछ नहीं मिलता आपको, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, टोल टिकट होल्डर वो सब कुछ चीज़ें नहीं मिलती। यहाँ पे आपको बेसिक एक हैलोजन लाइट मिल जाती है, ब्लूटूथ माइक के लिए प्लेसमेंट वो सब है। और स्टेयरिंग की बात करें सो ऐसा कुछ स्टेयरिंग मिलता है, इसका मतलब अलाइनमेंट थोड़ा अलग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कार्स जो आजकल देखते हैं। इसका थोड़ा बस वाला सिस्टम है, ऐसे अब थोड़ा रिक्लाइन पे होता है, नॉट द स्ट्रेट वन एज वी सी इन अदर कार्स, बट ठीक है। कोई भी ऑडियो कंट्रोल वो सब कुछ नहीं है, महिंद्रा का लोगो वो मिल जाएगा, और इसको आप एडजस्ट वेडजस्ट नहीं कर पाएंगे, एक फिक्स पोजीशन पे है। बट या मेरी हाइट 5 फीट 11 इंच के होने के बावजूद अच्छी खासी मुझे यहाँ पे स्पेस वेस मिल जाएगी, सो या ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैनुअल वाइपर्स है, यहाँ पे मैनुअल हेडलैम्प सबको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपके पास मिल जाता है, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, उसके बाद सारे हैजर्ड लाइट्स चारों ओर मिल जाते हैं। यहाँ पे 5000 RPM तक मतलब टैकोमीटर मिल जाएगा, टोटल किलोमीटर कितनी चल चुकी है, ट्रिप है उसके लिए एवरेज, उसके बाद ट्रिप भी उसके लिए एवरेज, ओडो, बस बेसिक यही चीज़ें मिली। और यहाँ पे भी आपको छोटी सी एक डिस्प्ले मिल जाएगी, जैसे कहते हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पे आपको मिल जाता है, विच इज़ ओके। हैजर्ड लाइट का बटन भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और एक बटन है ऊपर, सो उससे आप डिस्टेंस टू एम्प्टी देख सकते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो भी मिल जाता है आपको, ट्रिप टाइम, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सो बेसिक ये सारी चीज़ें। बोनेट फुल्ली विजिबल है, ए पिलर्स भी उतने ज़्यादा मोटे नहीं है, उससे सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है इस कार में। तो सेफ्टी की बात करिए, यहाँ पे आपको ABS मिल जाता है बेसिक, EBD भी नहीं आता, और आपके पास 2 एयरबैग्स हैं, पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाता है। सो नॉट द मोस्ट सेफेस्ट कार, बट यार ठीक है, जिन एक पर्टिकुलर जनता के लिए एक्चुअली कार है जो रूरल इंडिया में रहते हैं, तो ये गाड़ी में कोई खराबी आती भी नहीं है, और कोई भी मैकेनिक इसे इजीली ठीक कर सकता है। काफ़ी फाइनेंस के आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं, प्राइस भी काफ़ी कम है इस साइज़ के कार को देखते हुए, उस हिसाब से फीचर्स भी कम है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ओवरऑल मुझे एक कार काफ़ी अच्छी लगी फॉर इट्स रॉ नेचर, महिंद्रा ने अभी भी इसे कंटिन्यू किया, विच इज़ क्वाइट कमेंडेबल। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस कार के बारे में, फीचर्स थोड़े और दिया जा सकते थे, बट ये ठीक है। सो या मैं होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते किसी ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।